Note, the purpose of this video is only entertainment. We respect the feelings of all peoples. Please subscribe to our YouTube channel. Thanks for watching. शाहरुख खान स्टारा फिल्म रईस ने शुरुआती 3 दिनों में 60 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। 25 जनवरी को रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। भारी विवाद के बाद रिलीज हुई इस फिल्म को कंट्रोवर्सी का फायदा मिला है, इसी वजह से यह थिएटरों पर तेजी से दौड़ रही है। बेशक शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, माहिरा खान समेत रईस की पूरी टीम ने फिल्म बनाने में बेहद मेहनत की है। डायरेक्टर राहुल ढोलकिया ने इसकी बारीकियों को जांचा, लेकिन न चाहते हुए भी इसमें कुछ ऐसी गलतियां हो गई जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो आइए हम आपको रईस की 11 मिस्टेक्स बताते हैं। नंबर 1, फिल्म में शाहरुख और माहिरा पर फिल्माया गाना उड़ी उड़ी जाए काफी पसंद किया जा रहा है। फिल्म के दौरान जैसे ही रईस, शाहरुख, आसिया, माहिरा खान के कमरे में एंटर करते हैं, उस वक्त वे सलवार सूट पर दुपट्टा नहीं पहनी होती हैं। फिर दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे ही वे रईस से हाथ छुड़ा कर मुड़ती है, तुरंत उनके गले पर दुपट्टा आ जाता है। कैसे, इसका जवाब अब शायद माहिरा के पास भी नहीं होगा। मिस्टेक नंबर 2, फिल्म के हर सीन में रईस, शाहरुख चश्मा पहने दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फिल्म की शुरुआत में ही बता दिया गया था कि बिना चश्मे के रईस देख नहीं पाता। फिल्म में जब मुहर्रम के सीन में रईस मातम मनाता है, तब वह बिना चश्मे के दिखता है। उसी दौरान दूर से उस पर कोई हमला करने आता है, जिसे वह मार देता है। सवाल यह है कि बिना चश्मे के उसे दूर का दिखा कैसे। मिस्टेक नंबर 3, एक सीन के दौरान कोई पॉलिटिशियन रईस के घर के सामने से रैली ले जाता है। इस रैली को रोकने के लिए पुलिस आंस गैस छोड़ती है। इससे बचने के लिए सब इधर उधर भाग जाते हैं, लेकिन टियर गैस के धुएं के बीच से रईस आराम से चलते हुए नजर आते हैं, जैसे उन पर आंसू गैस का कोई असर ही नहीं पड़ा हो। ये कैसे। मिस्टेक नंबर 4, इस सीन में रईस, शाहरुख बालकनी से गिरी बॉल वापस लाने के लिए आसिया, माहिरा खान के घर जाता है। आसिया की माँ दरवाजा खोलती हैं और जब रईस अंदर आता है तो दरवाजा बंद कर देती हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब चंद मिनट के लिए रईस बॉल लेने गया है तो आसिया की मां ने दरवाजा बंद क्यों किया। मिस्टेक नंबर 5, फिल्म में रईस, शाहरुख अपने गोल्डन रंग के चश्मे से मूसा का खून करता है, जिससे चश्मे का एक फ्रेम डूब जाता है, लेकिन कुछ देर बाद रईस वही चश्मा लगाए हुए दिखता है। अब इतनी जल्दी उसने चश्मा ठीक कैसे करा लिया, ये सोचने वाली बात। मिस्टेक नंबर 6, मूवी के इस सीन में शाहरुख एक गोली से दो लोगों को उड़ाते दिख रहे हैं। जी हाँ, उनकी बंदूक से सिर्फ एक गोली निकलती और दो लोग हवा में उड़ जाते हैं। कैसे, इसका लॉजिक कोई नहीं बता पाएगा। मिस्टेक नंबर 7, इस सीन में जिस शख्स पर रईस, शाहरुख गोली चलाता है, वह कांच की खिड़की के आगे दिख रहा है, जबकि गोली लगने के बाद वह कहीं और गिरता है। कैसे, इसका जवाब शायद डायरेक्टर ही दे पाएंगे। मिस्टेक नंबर 8, पहले सीन में रईस और झाड़ियों के बीच की दूरी कम है, जबकि अगले ही सीन में इसकी दूरी बढ़ जाती है। कैसे। मिस्टेक नंबर 9, फिल्म में पुलिस इंस्पेक्टर जयदीप नवाजुद्दीन सिद्दीकी रोड रोलर से शराब की बोतल को चलते दिखते हैं, जबकि जूम करने पर नजर आता है कि वे रॉयल स्टेक की बोतल्स को चल रहे हैं। बता दें, फिल्म 80 के दशक में बनी हुई है, जबकि रॉयल स्टेक इंडिया में 1995 में लॉन्च हुआ था। ये कैसे हो सकता है। मिस्टेक नंबर 10, 80 के दशक पर बेस्ट इस फिल्म के एक सीन में शाहरुख के पीछे नीटेक्स की अंडरवियर और बनियान का विज्ञापन दिखाई देता है। बता दें, इस ब्रांड की स्थापना 1995 में हुई थी, ऐसे में 80 के दशक में इसका विज्ञापन कैसे दिख सकता है, बताइए। मिस्टेक नंबर 11, रईस की सबसे बड़ी मिस्टेक, जब शाहरुख खान रईस के प्रमोशन के लिए रईस इन ट्रेन करते हैं तो वडोदरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक इंसान की जान चली जाती है। आखिर शाहरुख खान को ट्रेन में प्रमोशन करने की क्या जरूरत थी, जिसमें लाखों लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वैसे रईस एक अच्छी मूवी है, एक बार तो देखना बनता है बॉस।